मथुरा के डीग गेट क्षेत्र में सीवर लाइन की खुदाई में कुषाण काल की एक मूर्ति मिली है। पुरातत्व विभाग ने जांच में पाया कि यह मूर्ति करीब 2000 साल पुरानी अग्निदेव की है। जल्द ही पुलिस इस मूर्ति को संग्रहालय प्रशासन को देगी। नगर निगम टीम डीग गेट क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए खुदाई करवा रही है। शाम को करीब 8 मीटर गहराई में प्राचीन पत्थर की मूर्ति निकली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सूत्रधार चीन का फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब उसकी एक बड़ी मोबाइल कंपनी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। चीन की एक बड़ी मोबाइल कंपनी वीवो ने भारत में एक ही IMEI नंबर के हजारों मोबाइल फ़ोन बाजार में उतारे हैं। इस प्रकरण में मोबाइल कंपनी के खिलाफ मेरठ में केस दर्ज किया गया है। तबलीगी जमात एवं समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला वीडियो वायरल होने पर सुर्खियों में आई GSVM मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर आरतीलाल चंदानी के तबादले पर गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी है। शासन से आदेश की प्रति महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को मिल गई है। प्रोफेसर आरतीलाल चंदानी को रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का प्राचार्य बनाया गया है। सहारनपुर की एक 7 साल की बच्ची ने कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई शुरू की है कि वह चर्चा में आ गई है। बच्ची ने अपना 2 साल पुरानी गुल्लक फोड़कर 20,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। 7 साल की यह बच्ची इन पैसों से राशन और दवाइयां खरीदकर गरीबों को बांट रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ बच्ची ने जिस तरह की जंग शुरू की है उसको देखकर शहर के लोग बच्ची के हौसले की दाद दे रहे हैं, साथ ही बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटरों में रहकर कई प्रवासी युवक इन सेंटरों की हालत सुधारने में जुटे हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर और टिहरी के चंबा में ऐसा ही कमाल युवकों और ग्रामीणों ने कर दिखाया है। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिगुड़ी में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी युवकों ने बुलंद हौसलों से स्कूली बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान तैयार करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं शनिवार व रविवार 2 दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवा भैयाजी जोशी ने अयोध्या में मीडिया से बातचीत में कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर दिव्य, भव्य एवं मजबूत बनेगा ताकि लंबे समय तक लाखों भक्तों के सामने रह सके।